हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका सुरेडिया। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो डालने स्टार्ट की हैं, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हरियाणा SSC के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी शेफाली शर्मा। और शेफाली वर्मा आपकी किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलने वाली पहली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा कितने साल की? 16 साल 40 दिन की इन शेफाली शर्मा है। और इनका शेफाली शर्मा का संबंध हरियाणा के रोहतक से शेफाली शर्मा का संबंध रखती है। और शेफाली शर्मा ने डेब्यू किया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, सूरत में इन्होंने डेब्यू किया था। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 8 मार्च 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपके गुरुग्राम में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 8 मार्च 2020 को किया गया था हरियाणा में। और महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री आपकी कमलेश डांडा। और इसकी थीम है, और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 2020 की थीम थी ईच फॉर इक्वल, ईच फॉर इक्वल। आगे देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय, वर्ल्ड मैराथन पूरा करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके आदित्य राज। वर्ल्ड मैराथन पूरा करने वाले भारतीय बने, और आदित्य राज का संबंध गुड़गांव से है। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन से लेकर अमेरिका तक के वर्ल्ड मैराथन पूरा किया है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर अमित पंघाल ने ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ये अमित पंघाल आपके रोहतक जिले के मायना गांव से संबंध रखते हैं। और उन्होंने 2020 जापान टोक्यो ओलंपिक में होने वाले 2020 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। और उन्होंने यह कोटा 92 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया। आगे देखिए आपका हरियाणा करंट अफेयर्स का फिफ्थ क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर विकास कर्सनन ने टोक्यो ओलंपिक के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ये किया आपके हिसार जिले से संबंध रखते हैं विकास कर्सन। और इन्होंने 69 किलोग्राम बार कैटेगरी में हरियाणा के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है। आगे देखिए सिक्स क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर पूजा रानी ने ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया? तो ये किया है भिवानी। बॉक्सर पूजा का संबंध आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। और इन्होंने 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। आगे देखिए सेवन्थ क्वेश्चन आपका, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो ये दिया आपकी रानी रामपाल को। रानी रामपाल आपकी कुरुक्षेत्र शाहबाद से संबंध रखती हैं, और ये भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं। इसी प्रकार हॉकी इंडिया ने किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया? तो ये दिया आपके मनदीप सिंह को। और मनदीप सिंह आपकी हॉकी इंडिया के खिलाड़ी, आपकी भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आगे देखिए आपका एट्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 तक दुर्गा शक्ति ऐप कितने डाउनलोड किए जा चुके हैं? तो ये किए जा चुके हैं 2,35,012 दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड किए जा सके हैं। और इसमें एक पैनिक बटन हुआ है, जिसमें किसी भी इमरजेंसी के दौरान स्टूडेंट किसी भी इमरजेंसी के दौरान छात्रा पैनिक बटन को दबाकर पुलिस की हेल्प ले सकती हैं। और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसकी संख्या 2,35,012 इसके डाउनलोड्स किए जा चुके हैं। आगे देखिए नाइन्थ क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। और महिला दिवस के अवसर पर
कि इन महिलाओं को किसने सम्मानित किया, तो ये किया है हमारे देव प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडानी ने सम्मानित किया है। आगे देखिए 10th क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है 10 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है आपकी मनीषा, मनीषा आपके पति आवाज से संबंध रखती हैं, और ये माउंटेनियरिंग फतह के कारण, माउंट एवरेस्ट फतह के कारण इन्हें कल्पना चावला शौर्य अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड में 1 लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आगे देखिए 12th क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है अलका गर्ग, और अलका गर्ग का संबंध आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जिसे प्राचीन काल में अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है और पेपर सिटीज का उपनाम है। आगे देखिए विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसमें राशि दी जाती है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, 1.5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप दिया जाता है, और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में 1 लाख रुपए की राशि और 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे देखिए 13th क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के किसने जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपके 3 जिलों को, फर्स्ट आपका, एक जिला आपका पंचकुला, सेकंड आपका सिरसा और थर्ड आपका पानीपत, इन 3 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर न्यूट्रिशन